हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है, मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह के बज रहे हैं 8, जैसे कि सभी लोग नाश्ता करके अपने अपने काम से चले गए हैं और मैं अपने खाना बनाने में जुट चुकी हूँ। इधर डुगू उठ के कह रहा है, मम्मी मेरे को चाय दे दो गर्म करके। तो मैं उसको पहले चाय दे दी थी, तो वही कह रहा था मैं चाय के साथ मम्मी मैं क्या खाऊँ। तो मैं बोली फ्रीज में जाओ, जो मिले खाने का ले लो, फ्रीज के ऊपर रखी हूँ। तो वो जाके मतलब टोस्ट ले लिया है और खा रहा है, और मैं इधर अपना खाना बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। तो एक तरफ मैं दाल बैठा दी हूँ, एक तरफ चावल रख दी हूँ, और इधर मैं करेला बना रही हूँ, और डुगू के पापा के लिए मैं चोखा बनाऊंगी। तो दाल में ही आलू धो के डाल दी हूँ, उबल जाएगा। तो मैं चोखा बनाने उनके लिए चोखा बनेगा, हम लोगों के लिए करेला बनेगा। तो मैं करेला को पहले छील लूँगी, बिना छीले बनाती हूँ ना बहुत ज़्यादा कड़वा लगता है, तो इसलिए मैं कभी भी बनाती हूँ तो छील के बनाती हूँ, तीखा भी नहीं लगता है, सभी को पसंद भी आता है। और करेले में ना ज़्यादा से ज़्यादा प्याज डालेंगे ना बिल्कुल भी तीखापन नहीं लगता है। तो जब से मतलब मेरे हाथ से पापा जी करेला खाए हैं तो हमेशा लेके आते हैं, ज़रूर लेके आते हैं, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो छिलके में ही छिलका नहीं छिलना चाहिए, तो लेकिन मेरे को ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है, मेरी फैमिली को भी ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है, इसलिए मैं छिलका निकाल के ऐसे ही बनाती हूँ। और करेले का जूस पियो तो और खून साफ़ होता है, जैसे कि किसी के पिंपल्स वगैरह या फुंसी वगैरह हो जाता है ना, और अगर करेले का जूस पी लो तो जल्दी ठीक हो जाता है, दवाई से पहले इसका असर करता है, तो ज़्यादा कड़वा रहता है। बचपन में मैं बहुत पीऊँ, मम्मी पिलाती थी, क्योंकि मेरे को फुंसी वगैरह ना बहुत होता था बचपन में। तो जब भी होता था तो मम्मी मेरे को यही करेले का जूस ही पिलाती थी, क्योंकि दवा खिलाया जाता था और दवा लगाया जाता था, जल्दी असर भी नहीं करता था इसी वजह से। तो मम्मी कभी कभी बताती थी कि तुम्हें बहुत ज़्यादा फुंसी होते थे तो करेले का जूस ही पिलाते थे, ज़्यादातर गर्मियों में ही होते हैं बच्चों को। तो ये देखिए, आप लोगों से बात करते करते मेरा करेला भी छिल गया है, और फिर मैं लहसुन की कलियाँ भी छील लूँगी चोखा के लिए भी, और ये करेले की सब्जी के लिए। तो इधर डुग्गू आ गया था, तो ये सारा कचरा मैं प्लोथिन में डाल दूंगी और गाय को दे देते हैं हम लोग ये सब चीज़ें ना, मतलब छिलके वगैरह गाय खा लेती है, तो पड़ोस में गाय है तो उन्हीं को दे देते हैं इकट्ठा करके। और इसे करेले को मतलब अच्छे से मतलब इसमें है ना थोड़ा सा नमक मिला के ऐसे मिस के रख देंगे, और फिर उसके बाद आधा या 15-20 मिनट के बाद उसे अच्छे से धो लें, तो जो भी कड़वापन रहता है ना तो नमक से ना निकल जाता है। तो वैसे मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं रखी थी, 3 से 5 मिनट तक रखी थी नमक में मिस के, और मिसने के बाद फिर अच्छे से 2-3 पानी अच्छे से धो ली थी। धोने के बाद इसे फिर इसे अच्छे से फिर तेल में फ्राई कर देंगे। तो ये देखिए, मैं तो इधर जब तक मेरा करेला फ्राई हो रहा है हल्का सा, और इधर मैं प्याज कट कर लेती हूँ और लहसुन की कलियाँ भी काट लेती हूँ और हरी मिर्च। तो इसमें मतलब करेले में ज़्यादा हरी मिर्च डालने की ज़रूरत भी नहीं है, 3 से 4 बहुत है। तो इसे मतलब इसमें ना ज़्यादातर प्याज की ज़रूरत होती है, क्योंकि कड़वापन निकालना होता है। तो मैं प्याज काट लूँगी। इधर मेरा दाल भी बन चुका है, चावल तो मेरा बन चुका था पहले, मैं उतार के रख चुकी हूँ, और सिर्फ मेरे को चोखा बनाना है और दाल में तड़का लगाना है। और इधर डुग्गू भी मेरे को बार बार परेशान कर रहा है किसी ना किसी चीज़ से, और जब भी मैं प्याज काटती हूँ ना तो मेरे आँखों से आंसू ज़रूर गिरते हैं। मेरे को लगता है ना कि मेरे को इतना कोई मारा है, इतना आंसू पूरा आँख भर जाता है मेरे आंसुओं से। तो इधर देखिए, मेरा करेला फ्राई होने के बाद मैं अलग बर्तन में निकाल ली थी, और इसमें सरसों का तेल ऐड करके और इसमें लहसुन और हरी मिर्च को हल्का सा पका लेंगे। पकाने के बाद फिर प्याज ऐड कर देंगे, प्याज को भी ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे, उसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जल्दी से प्याज गल जाए। प्याज गलने के बाद उसके साथ करेला भी ऐड कर देंगे, उसमें फिर स्वाद अनुसार नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। तो मेरा खाना बन चुका है, और चोखा भी मैं बना के रख दी थी, और उस बीच रोटी भी। तो सभी लोग खाना खा चुके हैं, तो इस टाइम बज रहा है 11:30, तो सभी लोग खाना खा के अपने अपने काम से चले गए हैं। तो मैं फटाफट जो भी काम बचा हुआ है मैं कर लेती हूँ।
तो इधर मैं पहले फटाफट बर्तन वगैरह धो लूँगी क्योंकि देवर जी को नहाना है। इसी वजह से तो मैं सोच पहले यहाँ से सारे जो भी जूठे बर्तन है इसे धो के हटा लेती हूँ क्योंकि नहाने बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो मैं इधर पहले बर्तन धो के फिर जो बाकी का काम है फिर उसे मैं फिनिश करूँगी। और डुगू को आज मैं सुबह ही मतलब नहला के उसे रेडी कर चुकी हूँ तो उसकी टेंशन नहीं है। और डुगू खाना भी खा चुका है, बस मेरे को अपना ही बस काम करना है। डुगू की कोई टेंशन नहीं है, उसका काम फिनिश है। और इधर देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरे सारे बर्तन वगैरह भी धुल चुके। तो सारे बर्तन धोने के बाद मैं यहाँ पे फिर पानी गिरा के अच्छे से झाड़ू से साफ़ भी कर दूंगी। और इस टाइम ना टंकी में इतना गर्म पानी निकल रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत उबला हुआ पानी है क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना, जो बाहर काम करते होंगे बहुत ज़्यादा मतलब धूप लगती होगी। तो क्योंकि गर्मी भी शुरू हो गई, अप्रैल में इतनी गर्मी है तो पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। तो अप्रैल से इतनी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है तो मैं बस टंकी के पानी से धुलाई कर देती हूँ और हाथ मुंह पैर मैं नल को चला के ही धोऊंगी क्योंकि इतना गर्म पानी निकल रहा है ना, पैर पे डाली तो ऐसा लगा पैर ही मेरा जल गया। तो फिर नल से मैं चालू करके फिर धोई क्योंकि नल का पानी ना बिल्कुल ठंडा ठंडा आ रहा था तो अच्छा लग रहा था धोने में। और गाँव में यही फ़ायदा है, जब मर्जी ठंडा पानी पी लो और फ्रीज़र की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि नल में ही इतना ठंडा पानी आता है। तो इधर मैं गैस मतलब किचन की सफाई कर रही थी तो इधर देवर जी कह रहे थे नहाने के बाद कि भाभी मेरे को खाना दे दो, तो मैं देवर जी को खाना परोस के दे आई। और फिर खाना देने के बाद मैं अपने काम में फिर से जुट जाऊँगी। वॉलपेपर वगैरह मैंने सारे अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ। क्लीन करने के बाद दो तीन पानी चेंज करना पड़ता है क्योंकि मग्गा में लेना पड़ता है ना, इसी वजह से, क्योंकि सिंक नहीं है। तो कोई नहीं, आज नहीं तो कल ज़रूर हो जाएगा। उसी धीरे धीरे सारी सुविधाएं हो जाती हैं, एक बाइक तो किसी के घर नहीं हो पाती है। तो इधर देखिए मेरी किचन की सफाई होने के बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने। और इतनी तेज़ तेज़ हवा चल रही है ना, अब ना पता नहीं इतनी तेज़ हवा चल रही है, सुबह से 10 से 15 बार झाड़ू लग जाता है क्योंकि सामने घर है ना तो पूरी धूल मिट्टी सामने आ जाता है, पूरा घर भर जाता है गंदगी से। तो मेरा सारा काम कंप्लीट होके आके मैं बेड पर लेट चुकी हूँ तो मैं थक गई थी, मैं सोची थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और सुबह मतलब दोपहर को हवा चलती है ना तो सुबह ही लाइट कट जाती है और जब हवा बंद होता है तब लाइट आती है। तो ये देखिए शाम को 4 या 4:30 बजे के करीब लाइट आया था, तो मैं सोची चलो लाइट आया तो मैं कपड़े डाल देती हूँ मशीन में धोने के लिए और टाइम सेट कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो, और आज डुगू रेडी होके गया था अपनी बुआ के घर। तो जैसे कि पापा जी के ना तबीयत खराब चल रही है, पापा जी का ना ये वाला हाथ ऊपर नहीं हो पाता, कोई काम नहीं कर पाते। दिन में तो कर भी लेते हैं हल्का फुल्का, दुकान में बैठना है तो करना ही पड़ेगा, बैठे बैठे तो काम चलेगा ही नहीं, तो दिन में तो हो जाता है। तो जब सोने का समय होता है ना रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ऐसे सीधा नहीं कर पाते, ऐसे मोड़ नहीं पाते, कपड़े नहीं निकाल पाते, कपड़े पहन नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जैसे कि सासू माँ का भी दिक्कत है पैरों में, तो उसी के लिए दवा के लिए गए थे डॉक्टर के पास, मेरी ननद बताई थी। तो उनका मतलब उनका भी कमर में पेन होता था बहुत ज़्यादा और उनके भी शोल्डर में दर्द था, तो उनका इलाज चल रहा है तो पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, बेटर है। तो मेरी ननद जी बोली थी वहीं दिखा देते हैं पापा को भी, तो आज गए थे लेकिन हॉस्पिटल बंद था, जो जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हो पाया, अफसोस हुआ। कोई नहीं, कल या परसों फिर जाएंगे क्योंकि दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता पापा जी से, क्योंकि पूरी ठंडी उनका पेन रहा है पूरी ठंडी, तो अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया है ना, तब कह रहे पापा जी अब दिखाना पड़ेगा, अब हो नहीं पाएगा। तो इसी वजह से तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर फिर कभी जाएंगे पापा जी हॉस्पिटल और दवा लाएंगे तो आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी, आज मतलब जिस काम के लिए गए वो नहीं हो पाया है। कोई नहीं, वैसे यहाँ से छोटे मोटे दुकान से दवा खाते हैं बस आराम होता है, हल्का फुल्का पूरी तरह आराम नहीं होता है,
इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज का छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन का जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहली पहुँच जाए। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और फुल सपोर्ट करिए, पूरा वॉच किया करिए, तभी आप सभी को ब्लॉग समझ में आएगा। ओके, और आज मैं चंपू बनी हूँ कुछ दिनों से, तो चलिए कल या परसों बाल धोऊंगी। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।